Welcome back. So today's topic is Silver Bullet. This is a very interesting topic with respect to software engineering. तो आज हम अपना लेक्चर एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करेंगे. आज से कुछ साल पहले वी हैव अ साइंटिस्ट फ्रेड ब्रुक्स. उन्होंने 1986 में एक पेपर पब्लिश किया. वो पेपर काफ़ी लेंदी था. मैं उसका एक समराइज टॉपिक पॉइंट बताती हूँ. उस पेपर में उन्होंने मेंशन किया दैट हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान, यानी जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देर इज़ नो सर्टेन सिंगल टूल. कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक एक सिंगल टूल नहीं है, कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी एक मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है जिसके हेल्प से हम किसी सॉफ्टवेयर में उसकी प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी तीनों को ही अचीव कर सकें. ठीक है, क्या कहा उसने? उसका मतलब था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई सिंगल एक टूल नहीं है जिसकी हेल्प से हम किसी एक सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बना सकें. तो अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें मल्टीपल टूल्स या मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को होल प्रोसेस में यूज़ करना पड़ेगा. बट ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा कहते समय उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई. ठीक है, ये कहानी थी हमारी वेयरवुल्फ्स की. तो हम सब ये वेयरवुल्फ के बारे में जानते हैं. वेयरवुल्फ्स कैसे होते हैं? वो आपको थ्रू आउट द डे बिल्कुल नॉर्मल इंसान, ह्यूमंस की तरह से लगेंगे. वो बिल्कुल इनोसेंट रहते हैं, सिमिलर एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं. बट व्हेन अ स्पेसिफिक टाइम अकर्स, जैसे कि फुल मून टाइम, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं इंटू अ वेयरवुल्फ. एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं. और जैसे ही वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत ही डेंजरस, मॉन्स्टरस हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ये कहने का उनका क्या रीज़न था? उन्होंने कहा हमारा सॉफ्टवेयर भी वेयरवुल्फ की तरह ही काम करता है. यानी कि बहुत इनोसेंट, बहुत ईजी गोइंग हमारा सॉफ्टवेयर लगता है, बट हमारा सॉफ्टवेयर अचानक से एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा देता है. तो हमारा सॉफ्टवेयर मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? देर आर मॉन्स्टर्स ऑफ एरर्स. इन एरर्स को हम लोग बोलते हैं जैसे कि मिस्ड शेड्यूल्स, वी कैन से इट एज ब्लोन बजट्स, फ्लॉड प्रोडक्ट्स. ये क्या होते हैं? जब भी आपका सॉफ्टवेयर, एग्जांपल से बताऊंगी, जब हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट किया, इनिशियल फेजेस में हम लोग उसको बहुत स्मूथली काम कर रहे थे. तो हमारा पहला डेडलाइन था कि फर्स्ट डेडलाइन में हमारा सॉफ्टवेयर 20% कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, आपने इतना स्मूथली काम किया, अच्छे से काम किया, एंथुजियास्टिकली काम किया, आपका पहले डेडलाइन में आपका काम 30% हुआ, मोर देन 20% आपका काम हो गया. तो आपको लग रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है एंड यू विल फिनिश द प्रोजेक्ट विद इन द डेडलाइन. ठीक है, बट अचानक से उसके बाद आने वाली दो डेडलाइंस आप मिस कर गए, तो आपका सॉफ्टवेयर अब बिहाइंड द शेड्यूल हो गया. आपने मल्टीपल शेड्यूल्स मिस्ड कर दिए. ठीक है, ऐसे में आपका सॉफ्टवेयर एक मॉन्स्टर की तरह से अचानक से कन्वर्ट हो गया. देखा आपने, आपने स्टार्टिंग में अपने सॉफ्टवेयर को बहुत स्मूथली चलाया और जैसे ही हमने एक से दो शेड्यूल मिस करे तो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स, आपको कस्टमर को डिलीवर करने में लेट होगा, आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में लेट हो जाएगा. इस तरह से हम लोग अपने शेड्यूल को मिस अगर करते गए तो मिस्ड शेड्यूल्स कैन बी अ मॉन्स्टर विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, देन सिमिलर थिंग इज ब्लोन बजट्स, यानी जैसे आप बजट्स को एक्सीड कर देते हो. तो अगर आपको कस्टमर को 100 रुपये में एक सॉफ्टवेयर डिलीवर करके देना था, बट आपने स्टार्टिंग में बजट का ध्यान नहीं रखा और एट द एंड आपका सॉफ्टवेयर जो डेवलप होके रेडी हुआ उसकी कॉस्ट 150 आई, विच इज़ 50 रुपीज़ मोर देन द डिसाइडेड कॉस्ट. तो आपने बजट को ओवर एक्सीड कर दिया. अब ये 50 रुपीज़ की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू बेयर, कस्टमर नहीं देगा. ठीक है, तो ऐसे में अचानक से आपका सॉफ्टवेयर जो विद इन द बजट चल रहा था अचानक से ब्लोन बजट के अंदर आया और एक मॉन्स्टर की तरह से उभर के रह गया. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज फ्लॉड प्रोडक्ट. जब भी आप कोई गलत प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को बना के देते हो, ठीक है, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं करते हो या फिर आप डेडलाइंस को मैच नहीं करते हो या फिर उसकी क्वालिटी लो होती है या फिर हमारा सॉफ्टवेयर इनएफिशिएंट होता है टू बी प्रिसाइज, तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट जब किसी कस्टमर को डिलीवर करके देते हैं, देन दीज आर द फ्लॉड प्रोडक्ट्स. और ये फ्लॉड प्रोडक्ट्स भी आपके मॉन्स्टर की तरह से ही वर्क करते हैं. कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बट उसको क्या मिला? एक फ्लॉड प्रोडक्ट, तो विच इज़ नॉट गुड. तो हम लोग इस इन कैटेगरीज़ के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को मॉन्स्टर कह रहे हैं. तो हम लोग इसको अब रिलेट कर सकते हैं. हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारा सॉफ्टवेयर एक वेयरवुल्फ की तरह से काम करता है, विच इज़ वेरी सिंपल, स्वीट एंड
शॉर्ट व्हेन वी स्टार्टेड द सॉफ्टवेयर, पर धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स के वजह से हमारा सॉफ्टवेयर क्या होगा, एक मॉन्स्टर के रूप में उभर के आ जाता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सिल्वर बुलेट, देर इज़ नो सिल्वर बुलेट। ठीक है, हमारा टॉपिक था सिल्वर बुलेट। तो सिल्वर बुलेट क्या है, हम इसे हिंदी में समझें तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास हर मर्ज की एक दवा है, यानी दिस वन टैबलेट कैन क्योर यू इन मल्टीपल वेज। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, जैसे कि हर बीमारी की अपनी अलग दवा होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी हम लोग क्या कहते हैं, देर इज़ नो सिल्वर बुलेट। कोई एक टेक्नोलॉजी, कोई एक टेक्निक ऐसी नहीं एग्जिस्ट कर सकती जो आपके सॉफ्टवेयर को एक साथ प्रोडक्टिव, रिलायबल और सिंपल बना सके। तो हम लोग नो सिल्वर बुलेट का मतलब रेफर करते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वी नीड टू कीप चेंजिंग अवर टेक्नोलॉजीज, वी नीड टू कीप चेंजिंग अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू लाइब्रेरीज, न्यू फंक्शंस, सो दैट जो आपका रिजल्ट आपको मिले वो कभी भी एक मॉन्स्टर का रूप न ले, वो हमेशा एक सिंपल प्रोजेक्ट के रूप में ही रहे और किसी भी मॉन्स्टर को आप अपने सॉफ्टवेयर में ऐड न होने दो। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम किसी एक सिल्वर बुलेट पर डिपेंड नहीं करेंगे। देर इज़ नो सिल्वर बुलेट, और अगर हमें लगता है कि एक ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ही सिल्वर बुलेट है, देन वी आर रॉन्ग। हम लोग कभी भी एक टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे। सो द आंसर इज़ दैट देर इज़ नो सिल्वर बुलेट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और हम लोग को कंटिन्यूसली हर फेज़ में अपना मेथडोलॉजी, अपना स्ट्रैटेजी चेंज करते रहने होगा टू अचीव दीज थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ओके, थैंक यू।